मैं पूजा बिश्नोई और ये मेरा छोटा भाई कुलदीप। और आज लाइक मेरे भाई के लिए बहुत ही खुशी की बात है, मतलब इसको सब लोग लड़की कहते हैं तो मतलब ये थोड़ा बहुत परेशान हो जाता है कभी कभी, तो मतलब आज ये थोड़ा खुश है क्योंकि आज इसके हम थोड़े से बाल कटवाएंगे, थोड़े पता नहीं कितने बाल कटवाएंगे बट बाल जरूर कटवाएंगे। तो कुलदीप कैसा लग रहा है तू, ये बाल कटा? बहुत अच्छा लग रहा है, कम से कम कोई लड़की तो नहीं कहेगा। तो गाइस फाइनली हम अभी थोड़ा सा दूर है, बस 80 मीटर यहाँ से दूर है और ये आ गई हमारी मेरे भाई के हेयर कट की दुकान। गाइस हमने हमारी गाड़ी पार्क कर दी और मेरा भाई है, अभी हम सैलून में जा रहे हैं इसके बाल कटवाने के लिए। सो मतलब मेरे को भी अच्छा लगेगा, मेरे को भी देखना, मेरे को मैंने इसको फर्स्ट टाइम जब इसके छोटे बाल थे मैंने इसको बहुत सालों पहले 3-4 सालों पहले मैंने इसको देखा। दुकान तो दिखा दे इनको। हाँ ये रही इसके बालक की सैलून और हिज अभी एंटर कर रहा है मेरा भाई और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। बहुत टॉर्चर किया गया लोगों द्वारा, लड़की जानबूझ के भी कहता है कि तुम लड़की है, उनको पता है कि ये लड़का है फिर भी कहते तुम लड़की हो क्या, पता नहीं भी चाहते। अभी तेरे को लड़की कोई नहीं बोलेगा, क्या कहना चाहेगा? बहुत बढ़िया होगा, बहुत बढ़िया होगा। फाइनली हम आ चुके हैं, ये लाइटें हैं पूरी खतरनाक लेवल वाली। हम सोच रहे तेरा कटवा दें। कुलदीप क्या कहना चाहिए, इसके कटवा दें? इसके पीछे कितने सारे बैठे, पीछे हम बहुत सारे बैठे हैं। बस में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं। ट्रेन ट्रेन लड़की से लड़का मतलब लड़की थी पहले तुम? लड़का था मेरा, असली लड़का, असली लड़का। तो इसके बाल इतने बड़े किस लिए हैं पूजा, इसके बारे में बताएगी? इसके बाल 2019 में कटवाए थे, 2019 में। हाँ और फिर कोविड आ गया, दो तीन दिनों बाद इसके बाल कटवाने के बाद। हाँ फिर 2-3 साल के कोविड रहा। हाँ फिर बाद में इसको सुंदर दिखने लगे इसके बाल। हाँ तो बस, और फैन भी था धोने से, तो बस बाल लगा लिए। ये छोटा चूजी तैयार हो चुका है, चुटिया कर लिया इस। और यहाँ पे ये 4 years ग्रो 4 सालों की ये मेहनत है इसकी। अभी शॉर्ट हो गया तब तो ये एकदम तगड़ा लगेगा भाई।
फाइनली शाय भाई आ चुकी है। क्या कहना चाहते हो क्लासिक के बारे में? क्लासिक है क्लासिक। तो इस स्टूडियो के बारे में हम थोड़ी एक अंदर वाली डिटेल बताते हैं। कितने साल हो गए? मोर देन 10 इयर्स। 10 साल से ये जोधपुर में हैं और इन्होंने हकीम आलिम है ना, हकीम आलिम एज ए लॉरियल अकेडमी से क्लासेस किए। हाँ, बैक टू बैक क्लासेस एवरी 4 months 5 months ट्रेनिंग इज गोइंग ऑन, बिकॉज स्टडी ऐसा है कि कोई भी फील्ड हो अपडेट बहुत जरूरी है। हाँ, जब तक अपडेटेड हो आप लाइव हो, अपडेट लेना बंद कर दिया देन डेड, सो नीड अपडेट। एजुकेशन कभी ख़त्म नहीं होती है और जैसे हमारी फील्ड है डे बाई डे न्यू चीज़ आती रहती है, सो हमें लर्न करना बहुत जरूरी है। आई एम ऑल्सो लर्निंग बिकॉज ट्रेनिंग के बाद भी ये होता है कि टाइम के साथ थोड़ा चेंज। यस, सो नीड अ गुड ट्रेन। तो जिस प्रकार से आपकी बहन आपकी दो बहनें हैं वो भी आपको सपोर्ट करते हैं। कुंजल जी फर्स्ट हमारी सिस्टर है, बड़ी सिस्टर कुंजल रावल। हाँ, उन्होंने पूरा सलून स्टार्ट किया था। हाँ, दैट टाइम जब ये घर भी लिया था हमने तो एक सिंगल रूम जो ये वाला पार्ट था। हाँ, एंड वाला रूम जहाँ पे हम चार भाई बहन रहते थे, मम्मा। हाँ, और पापा। तो दैट टाइम इज 5,000 एंड वो टाइम भी हमारे पास मनी नहीं था कि 5,000 भी मंथली देना, बहुत ज़्यादा मंथ होता था कैसे करें, लाइट इलेक्ट्रिसिटी बिल रेंट बहुत स्ट्रगल टाइम था। डी ने बहुत मेहनत किया, बहुत स्ट्रगल किया डे बाय डे, डोर बाय डोर पैम्पलेट्स ऑफर्स लेडीज़ का, दैट टाइम स्टार्टिंग लेडीज़ पार्ट था ओनली। और अभी जोधपुर में नंबर वन है। या जोधपुर में और बाहर भी जाते हैं ये, कोई भी जैसे मूवी वूवी का शूट होता है, मैं तो चाहता हूँ पूजा का अगला शूट हो तो यहाँ पे क्या कहना चाहते हो आप? ऐसा कौन सी सेलिब्रिटी हो जो जिनके बाल काटना चाहते हो आपका माइंड में कि हाँ यार ऐसे बंदे का? मेरा है रणवीर सिंह। रणवीर सिंह का? या पूजा कोई है कॉन्ट्रैक्ट रणवीर सिंह का आपके पास? हैं, मैं जाता हूँ विराट कोहली के घाट वहाँ। डेफिनेटली और अब तक ड्रीम पार्ट विराट सर इज बिग कमिंग। पहले गांव में जिस प्रकार से हमारे बाल काटे जाते थे, एक छोटी सी चादर बिछाई जाती थी वहाँ पे बिठा के, वहाँ पे किस पोजीशन में बिठाते थे कैसे ऐसे पकड़ के फिर काटे जाते थे। तो पहले हमने प्लानिंग बनाई जिसके ये वाले रखेंगे, फिर अभी इन्होंने बताया थोड़ा और शॉर्ट वाला पार्ट एकदम लड़का प्योर लड़का, अभी तो लड़की लग रही है पूरी। धोनी का ये वर्ल्ड कप के बाद का है और ये लड़का धोनी का वर्ल्ड कप के बाद में आ चुका है। पहले धोनी का 2007 में था ये। धोनी का इतना बड़ा फैन किस लिए तुम? वो बहुत अच्छे खेलते हैं। अच्छे तो सारे खेलते हैं। नहीं मतलब वर्ल्ड कप जितवाया था। वर्ल्ड कप जितवाया 2007 में। 2007 में भी धोनी ने जितवाया था। और वो अलग तरह से खेलते हैं। धोनी की क्या चीज पसंद है? सुने मेरा है ना, जब 2011 में मैं लकी जन हुआ था मेरा, तभी भारत वाली कप जीत पाया था, पता है ना तुझे? कब जीता इंडिया? 10 अप्रैल 2011 को मेरा जन्म हुआ था। हाँ, और इंडिया वर्ल्ड कप 10 अप्रैल में ही जीती थी। हाँ, 2011 में। हाँ, अब डेट क्या मुझे नहीं पता। अब देख सकते हो इसका जन्म हुआ तब भारत ने वर्ल्ड कप जीता था, और हमारा जन्म हुआ तब हमारे खेत में फसल अच्छी हुई थी, हम ये मानते थे। तो ये लग रहा है भाई तगड़ा एकदम मस्त खतरनाक लग रहा है भाई। यूं अब तो इसकी स्माइल भी तगड़ी लगने लग गई है। पूजा हम तो तेरे से भी सुंदर लगने लग गया यार। मेरा भाई मुझसे ज्यादा सुंदर कैसे दिखेगा?
ये दिख रहा है जाके तेरे सामने ही कुलदीप के नया लुक एकदम लड़की से लड़का Finally guys ये बॉक्सिंग के रिंग में जा रहा है WWE का फाइटर आ चुका है। बड़े बाल अच्छे पसंद है तेरे को या छोटे? हैं? पहले बड़े पसंद थे, अब छोटे अच्छे। थोड़ा चल रही Finally, ये वाला नया वाला लुक आ चुका है कुलदीप का, एकदम लग रहा है बंदा स्मार्ट लग रहा है कुछ ज्यादा ही। तो इन्होंने बदलाव किया, हमने कट लिए, फर्स्ट थोड़ा लॉन्ग रखा था, फिर लॉन्ग पसंद नहीं आया, गो फॉर शॉर्टर लाइन बिकॉज कर्ली हेयर है, कर्ली इजी टू कैरी रहेगा इनके लिए। और फ्रिजी फिजल है तो साइड शॉर्ट, टॉप लेंथ इज लॉन्गर लिटिल बिट, तो नाइस और इजी टू मेंटेन, सो बेटर है कि इनका रनिंग है, स्पोर्ट्स पार्ट है डस्टी एंड ऑल में, तो दिस लेंथ इज गुड। एंड एवरी 20-25 डेज में हम लोग इनका लुक चेंज कर रहे हैं, मेंटेन रखेंगे, इससे बेटर वाव फैक्टर और इंडिया के लिए आने वाले फ्यूचर में स्पोर्ट्स मैन मिलेगा। पीछे से इसके भी वो भाई रखा है थोड़ा सा चेंज, ये देखो तो पूरा लुक लॉन्ग टेल वाओ काइंड ऑफ पूजा यार, यहां से कुछ अच्छा ही लग रहा है। तो कैमरामैन है वो हमारे किशन भैया के क्लाइंट, वो क्लाइंट स्टाफ, तो इन पिंच है उनका। एकदम चिपकी हुई दिख रहा है, एकदम भाई छोटा सा बच्चा, एकदम चिपकी ओके फाइनली नया लुक कुलदीप का आ गया है, आपको एकदम क्या क्यूट सा लग रहा है, प्यारा लग रहा है। फाइनली गाइस क्या हुआ गाइस, फाइनली मेरे भाई की हेयर कटिंग हो चुकी है और कितना प्यारा लग रहा है। तो आपको मेरे भाई की हेयर स्टाइल कैसी लगी आप बताएं हमें कमेंट करके। मेरे को बहुत अच्छी और मुझे भी बहुत अच्छी लगी और मामू को भी बहुत अच्छी लगी। गाइज ये मेरे भाई का पूरा हेयर कट का था, तो लाइक मेरे भाई का हेयर कट अमन भैया करते हैं और मेरी हेयर कट उनकी दीदी कुंजल दीदी करते हैं, तो लाइक बहुत अच्छा हेयर कट करते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि हम किसी को प्रमोट कर रहे हैं, मतलब जो अच्छा करता है उसको सपोर्ट करते हैं हम लाइक, तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा है मेरा भाई। तो कैसा लगा ये आपको मेरे भाई का हेयर कट और न्यू लुक, और आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।